Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at repeat sentences. This is the second video of short video series, and this video is going to be in Hindi, and English version of this video is already out. If you don't speak or understand Hindi, you can watch that as well. The link is in the description box. भाई शॉर्ट वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है, पीटी रिपीट सेंटेंस हिंदी में. सब कुछ बताऊंगा क्या करना है रिपीट सेंटेंस में, क्या नहीं करना, कैसे फुल स्कोर लेके आना है अगर कंटेंट नहीं भी है. पहले देखेंगे मार्किंग क्राइटेरिया, इस टास्क में होता क्या है, करना क्या क्या, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, कॉन्टेंट कैसे मैक्सिमाइज करना है, और अगर आपके पास कॉन्टेंट नहीं है फिर भी कैसे स्कोर लेके आना है. विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इन टू द वीडियो. कम से कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूंगा. आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड विल गो फ्रॉम देयर. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा, आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा जो कि एनी वे बिटवीन 9 to 16 वर्ड्स लॉन्ग हो सकता है. जैसे ही ऑडियो सेंटेंस की खत्म होगी, हाफ सेकंड के बाद आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आपको जो सेंटेंस सुनाई दिया वो एग्जैक्टली रिपीट करना है. आपको 10 से 12 सेंटेंसेज आएंगे और ये टास्क आपको स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी काफी नंबर देगा. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है क्योंकि ये लिसनिंग को बहुत बूस्ट करता है. तीन पैरामीटर्स पे मार्क्ड होता है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट. 5 नंबर फ्लुएंसी के, 5 प्रोनाउंसिएशन के और 3 कंटेंट के. 5 नहीं, एक्चुअली 3 होते हैं यहाँ पे. ठीक है, आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ कि पूरे नंबर कैसे लेने हैं. कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन लगेगी. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये आपके ऑडियो बार है और ये रिकॉर्डिंग बार है. यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है, बिगनिंग इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद आपकी ऑडियो शुरू हो जाएगी. एक बार ऑडियो खत्म हो जाती है, विद इन हाफ अ सेकंड आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. इस चीज का आप ध्यान रखना, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा सोचने का. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 नंबर फ्लुएंसी के, 5 प्रोनाउंसिएशन के, 5 कंटेंट के. ये देखते हैं कि ये मार्क कैसे होते हैं. फ्लुएंसी का सेम चीज है, फ्लुएंसी मतलब कि आपको बहुत तेज नहीं जाना है, एक मॉडरेट पेस पे जाना है, क्लियर बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, अपने आप को करेक्ट नहीं करना है. कोई गलती हो जाए अपने आप को करेक्ट मत करना प्लीज. प्रोनाउंसिएशन का मतलब है जितना नेचुरली और जितना क्लियर बोल सकते हो बोलो, अपना एक्सेंट चेंज नहीं करना है. कंटेंट एक ट्रिकी पार्ट है, कंटेंट कैसे मार्क होता है रिपीट सेंटेंस में, ध्यान रखना, ध्यान से ध्यान देना. इधर 3 में से 3 लेने के लिए पियर्सन की गाइडलाइन क्या बोलती है, 3 में से 3 लेने के लिए आपको 100% कॉन्टेंट करेक्ट सिक्वेंस में बोलना पड़ेगा. अगर आप 50% से ज्यादा और 100% से कम, सो एनी वे बिटवीन 50 to 100% बोलते हो, तो आपको 2, 3 में से 2 नंबर मिलेंगे. और अगर आप 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम बोलते हो, तो आपको 3 में से 1 नंबर मिलेंगे. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. अब कंटेंट एक ट्रिकी पार्ट हो जाता है. बहुत बार क्या, मैं आपको बताता हूँ यार, 10 बार मैंने एग्जाम दिया, 10 बार 90 आया, पिछली 10 बार 90 आया लिसनिंग में, और हमेशा मेरे 2, 3, 4 रिपीट सेंटेंस गड़बड़ होते हैं. अब गड़बड़ का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, अगर आपको एक सेंटेंस आ रहा है, आई एम गोइंग टू लंडन विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, एक सेंटेंस आ गया, आई एम गोइंग टू लंडन विद माई फ्रेंड्स. आपको सिर्फ इतना याद है, आई एम गोइंग टू लंडन विद माई फ्रेंड्स नहीं याद, ठीक है. दो ऑप्शन है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं आई एम गोइंग टू लंडन फ्रेंड्स. इस चक्कर में क्या है, टाइम होता नहीं आपके पास, सिर्फ 8 सेकंड है अपना आंसर देने के लिए. जितना टाइम आप सोचने में लगाते हो उतने टाइम में आपका टाइम निकल जाता है. एज अ रिजल्ट आपको कंटेंट तो जितना याद है आपने उतना ही बोला, बट उसी के साथ आपने अपने हेजिटेशन भी दे दी, आपने क्लैरिटी इशू भी कर दिया. आपको करना क्या है, किस चीज पे फोकस करना है, आपको जितना कंटेंट याद है क्लियरली फ्लुएंटली बोल देना. लेट्स से उसने बोला आई एम गोइंग टू लंडन विद माई फ्रेंड्स इन अ बस टुमारो, हमारे को सिर्फ याद है आई एम गोइंग टू लंडन इन अ बस. आप ऐसे बोलो आई एम गोइंग टू लंडन इन अ बस एंड आई एम वेरी हैप्पी. अब एंड आई एम वेरी हैप्पी बोलने से क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी, क्लैरिटी मेंटेन रहेगी. जितना कंटेंट आपको याद है कंटेंट तो उतना ही बोल पाओगे आप. अब कंटेंट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बैठ के याद करने लग जाओ तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको अराउंड 60-70% कंटेंट भी याद है और आप उसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, आपके 79+ स्कोर भी आ सकता है. सो मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार एग्जाम देके, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा के सीखा क्या कि रिपीट सेंटेंस में पीटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिपीट 100% कंटेंट. वो चाहते हैं आप अराउंड 60-70-80% कंटेंट बोलो. जो लॉन्ग सेंटेंस है उसमें 70% भी बहुत है, जो शॉर्ट सेंटेंस है 8-9 वर्ड के उसमें अराउंड 80% तो चाहिए चाहिए. तो वो चाहते हैं अगर आप 60-70-80% कंटेंट बोलो, बट जो भी बोलो क्लियरली बोलो. अब अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, एक ऑप्शन है आप उसको सोचने लग जाओ, सोचने लगोगे कुछ याद नहीं आएगा. बट सेकंड ऑप्शन क्या है, जितना याद है एटलीस्ट उतना बोल के उतने के नंबर पूरे करो और एक कनेक्टर या फिलर ऐड कर दो जिससे कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन रहेगी. अब अगर आपने फिलर ऐड किया, आपके फ्लुएंसी में पूरे नंबर, प्रोनाउंसिएशन में पूरे नंबर, 5-5 नंबर यहाँ पे आ गए. कॉन्टेंट अगर आपने मान लो 3 में से 2 नंबर भी आ रहे हैं तो 12 नंबर आ रहे हैं हमारे 13 में से,
लेकिन अगर आप सोच सोच के बोल रहे हो, आपके फ्लुएंसी के नंबर भी डाउन, प्रोनाउंसिएशन के भी डाउन, कंटेंट के भी डाउन, तो फोकस किस चीज पे करना है? जितना याद है उतना क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलो, रुको ना। यस ऑब्वियसली ट्राई करो कि आप मैक्सिमम कंटेंट बोलो, जान के कंटेंट गड़बड़ नहीं करना है, बट जिस केस में पॉसिबल नहीं होगा डोंट स्ट्रेस। आपको 10 से 12 रिपीट सेंटेंस आएंगे, 2-3 मुश्किल होते हैं, बाकी एवरेज लेंथ के होते हैं। आपने फोकस क्या करना है, जो आपके एवरेज लेंथ वाले रिपीट सेंटेंस है वो परफेक्ट करो, क्योंकि जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, जो लॉन्ग सेंटेंस है 15 वर्ड का सेंटेंस आ गया, वो किसी से रिपीट नहीं होता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 15 वर्ड वाला सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसके चक्कर में ना 15 वर्ड वाला सही होता है ना छोटा सही होता है। आप जो 8, 10, 12 वर्ड के सेंटेंसेज आएंगे उनको सही करने पे फोकस करो। अगर 15 वर्ड वाला आप आधा भी बोलते हैं कोई चक्कर नहीं है, इजी वालों में आप नंबर पूरे करो एंड यू विल बी 100% फाइन। अब करना कैसे है, दो टेक्निक्स है। एक टेक्निक है इनिशियल स्ट्रैटेजी, जो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं इस स्ट्रैटेजी को लेके। इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या, जैसे एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लंडन, आप अपनी नोटबुक में लिख लो IAGTL, मतलब फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट हर एक वर्ड का लिख लो एंड देन सेंटेंस रिपीट कर लो। बट काफी बच्चों की टाइप राइटिंग स्पीड इतनी तेज नहीं होती या इनिशियल्स याद नहीं आते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू राइट इट और सारा कुछ मैसअप हो जाता है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आंखें बंद करो, जितना सेंटेंस समझ आता है मतलब जरूर समझो सेंटेंस का। अगर आप मतलब समझोगे आप ज्यादा कंटेंट रिटेन कर पाओगे। सेंटेंस सारे समझ सकते हैं, इतनी इंग्लिश सबको आती है। आंखें बंद करके सेंटेंस का मतलब समझो, जैसे सेंटेंस खत्म होता है हाफ अ सेकंड के बाद, जितना याद है क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल दो। इनफ कॉन्टेंट नहीं है तो फिलर या कनेक्टर ऐड कर दो एंड यू विल बी 100% फाइन। सीक्वेंस जरूरी है, ये भी बच्चे पूछते हैं। देखो पीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये जरूरी है, बट थोड़ा बहुत सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। एक बंदा की 15 वर्ड का सेंटेंस, एक एक वर्ड सही नहीं बोल सकते, तो एक दो वर्ड आगे पीछे हो जाए। लेट्स से आपने पिछले 4 वर्ड बोल दिए और आपको 2 वर्ड याद आ गए जो शुरू में भी थे, ना बोलने से अच्छा है वो बोल दो। बोलने के नंबर नहीं कटेंगे, बट ना बोलने के ऑब्वियसली कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सो ट्राई टू मेंटेन योर सीक्वेंस, ट्राई टू रिपीट योर मैक्सिमम कॉन्टेंट, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है आप 70 to 80% कंटेंट बोलो, क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलो एंड यू विल बी 100% फाइन। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। कुछ नहीं है, डरना नहीं है, 35 रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करो, सेंटेंस का मतलब समझो, 70-80% रिपीट करो, बट जो भी बोलो क्लियरली बोलो। ज्यादा रिपीट करने के चक्कर में गड़बड़ मत करना, ये मत करना कि आप क्लियरली नहीं बोल रहे हो। इन चीजों को फॉलो करो, यू विल बी 100% फाइन। कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछली बहुत सारी वीडियोस डिलीट हो गई है यूट्यूब से, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक, विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। एक ही एम है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट स्कोर आए। कभी भी मेरी वीडियोस की हेल्प से आपका रिजल्ट स्कोर आता है तो डू लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड दैट विल कीप मी गोइंग ऑन। प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au पे जा सकते हैं, या LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आंसर सबमिट करके देख सकते हैं कितना स्कोर आ रहा है और कितना नहीं, और कौन सी चीजों पे आपको वर्क करना है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा स्कोर्ड होता है, विल रियली हेल्प यू अलॉट। दैट्स इट। लास्ट, हमारी ब्रांचेस इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन वन ऑफ दीज नंबर एंड विल बी विद यू। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, हजारों बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है, लगे रहो, समझो, गलतियां इंप्रूव करो, मॉक टेस्ट दो, जो हेल्प चाहिए मुझे बताओ, आई विल गिव माई 100% टू हेल्प यू आउट, बट गिव अप नहीं करना और डिजायर स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आना। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।